हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सीजी पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 6000 के पद के आसपास निकली हुई है, जो कि जो पिछले बार निकली थी 2259 पद, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छी एक मौका है आपके पास, क्योंकि इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये वैकेंसी जो है आचार संहिता से पहले इसके लिए कुछ अपडेट्स निकल के सामने आएगी। तो आज की वीडियो हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे, आपको फॉर्म अप्लाई करने से लेकर लास्ट तक ट्रेनिंग तक, ठीक है, आपका PHT कैसे होता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, इनकी ड्यूटीज़ और कार्य क्या होते हैं, कॉन्स्टेबल का जॉब क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, आपका डाउट है उसको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये फेक है, यानी कि एक तरीके से फर्जी नोटिफिकेशन है, जिसके दो रीजंस हैं। एक तो कई लोग बोल रहे हैं कि जो महानिदेशक है उसका साइन नहीं है, दूसरा जो कन्फ्यूज़न हो रही है, छत्तीसगढ़ जो सरकार है उन्होंने जितने भी जो जॉब्स थे उनके लिए जो फीस था, फॉर्म फीस, एग्ज़ाम फीस, उसको माफ़ कर दिया गया था, निःशुल्क कर दिया गया था, और यहाँ पे फॉर्म फीस भी रखा गया इस नोटिफिकेशन में, जिसके वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि क्या ये फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले साइन के ऊपर बात करते हैं, ये किसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है अभी तक। कई लोग जाके वेबसाइट पर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ओरिजिनल ही है। लेकिन जो समय से पूर्व लीक हो जाता है, विभागीय जो विज्ञापन होता है समय से पूर्व लीक हो गया है विभाग की तरफ से ही, जो परिचित के होते हैं अपने सेंड कर देते हैं, उसके बाद जो है कोई टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता है, यूट्यूबर्स के पास पहुंचती है तो वीडियो बना देता है, अपने टेलीग्राम में शेयर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, ठीक है। तो ये फेक नहीं है, साइन के ऊपर मत जाइएगा। ये अभी विभागीय विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, उसके पास पहुंचने से पहले ही, साइन करने से पहले ही हो सकता है लीक हो गया हो। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, जैसे आप लोग विभागीय विज्ञापन किसी भी व्यापम में आप जो है फॉर्म डालते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ पे एक लिखा होता है, ऑप्शन रहता है विभागीय विज्ञापन डाउनलोड करने का, उसमें यही जो नोटिफिकेशन है उसी को अपलोड किया जाता है। जैसे CSPDCL का आने से पहले पता चल गई थी कितने पद आएंगे, वो विभागीय विज्ञापन अलग होता है, जबकि वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुई थी, फिर भी से वो पता चल गई थी। जैसे 30 पद अभी और आने वाले हैं सहकारिता विभाग अपेक्स बैंक में, उसके बारे में पहले से जानकारी मिल गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनली, जो है लीक्ड हो जाती हैं, कोई फेक नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग शुल्क के ऊपर डाउट कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क रखा गया है, तो ये ऐसा होता ही है दोस्तों, चुनाव के समय में जो है निकाला जाता है ज़्यादातर केसेस में, जब पिछले जो चुनाव हुआ है चुनाव के समय में ही वैकेंसी निकाली जाती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो उनकी फंडिंग हो जाती है, दूसरी पब्लिसिटी हो जाती है कि भाई हमारे शासनकाल में वैकेंसी निकाली गई है। तो हो सकता है जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो फंडिंग के लिए यहाँ पर चार्जेस रख दिया हो, क्योंकि अभी चुनाव के समय में खर्चा भी करेगा हो, और अक्सर ये भी होता है कि चुनाव के समय जितने भी वैकेंसी निकलती है एक चरण को कंप्लीट करा के लटका दी जाती है, जैसे कि पिछले बार हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है फिजिकल का डेट जो है जल्दी आ जाए, उसके बाद जो एग्जाम है भले ही बाद में होगा, ठीक है। तीसरा जो कमेंट्स आया था दोस्तों कि हम जो है किस जिले में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ओवरऑल छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जिस भी जिले में आप जहां पे भी डालेंगे केवल एक ही जगह डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप अपने जिले के लिए डाल रहे हैं और ऑप्शनल दूसरे जिले भी आपके पास हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी जहाँ पे भी वैकेंसी निकली है जिस जिले में, आप किसी भी जिले में डालेंगे लेकिन एक जगह डालेंगे। तो आपके जो कमेंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे डाउट जो है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों वीडियो के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कांस्टेबल का जॉब क्या है। बहुत सारे लोग ये सिर्फ जानते हैं भाई कि ये मजे वाला जॉब है, पुलिस विभाग में लग गया तो हमको जाना है, आपराधिक गतिविधि को रोकना है, यहाँ छापा मारना है, गांजा तस्करी को पकड़ना है, शराब तस्करी को पकड़ना है, जो अवैध रूप से जो है शराब बेच रहे हैं, यही उनके दिमाग में आता है कि ये मजे का जॉब, जबकि ये सबसे डिफिकल्ट जॉब है दोस्तों, ठीक है, जिसके तुलना मेरे को लगता है कि इसकी सैलरी भी इनकी तुलना में कम दिया जाता है, ठीक है। तो जो कांस्टेबल का जॉब होता है वो निचले दर्जे का होता है, पुलिस विभाग में सबसे जो निचला दर्जा है वो कांस्टेबल का होता है। कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल के ऊपर आपका ASI होता है, उसके ऊपर SI होता है, फिर आपका DSP होता है, SP होता है, DIG होता है, IG होता है, ये रैंक होता है, हमको उतना दूर तक नहीं जाना है। जो कांस्टेबल होता है नीचे दर्जे का होता है और सबसे मुश्किल और कठिन काम उन्हीं का होता है। अभी तक इनकी हम ड्यूटी की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ आप यही जानते होंगे कि भाई जो कानून व्यवस्था है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करना, ये उनकी मुख्य ड्यूटीज़ होती हैं। लेकिन उसके अंतर्गत ऐसे ड्यूटीज़ होते हैं जो कि बहुत ही टफ हैं दोस्तों। सपोज़ कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा है,
कुछ त्यौहार हो रहा है तो आपको वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी, आपको त्यौहार में भी घर जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई वीआईपीज जो है स्टेट्स में आ रहे हैं तो भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, चुनाव में भी आपकी ड्यूटी लगेगी। कहीं पे कोई प्रदर्शन हो रहा है तो भी आपको वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी, आपको वहीं पे खड़े रहना जहाँ पे आपको बोला जाएगा, ठीक है। कुछ विशेष त्यौहार में रैलियाँ निकल रही है, धार्मिक रैलियाँ, तो भी आपकी ड्यूटीज जो है अलग अलग चौक में डिवाइडेड करके बटा रहेगा, आप वहीं पर ड्यूटी देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ड्यूटी टाइम में ही आप ड्यूटी देंगे, यदि आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कुछ दंगे वगैरह होने की संभावना होती है तो अब आपको इमरजेंसी ड्यूटी भी देना पड़ता है, चाहे नाइट हो या डे, ठीक है। आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची तो आपको पहुंचना पड़ता है, तो ये सबसे टफ ड्यूटी होता है जिसकी तुलना में उसकी सैलरी जो है बहुत कम लगता है। टीचर का जॉब जो है इससे बहुत आसान है दोस्तों और लाखों गुना अच्छा है। तो ये मत समझिएगा कि ये मज़े की जॉब है, सिर्फ हमको जाना है हमारे सीनियर इंस्पेक्टर के साथ और इंस्पेक्शन वगैरह करना है, जाके पकड़ना है, सारी ये सारी चीज़ें बस ड्यूटी नहीं होती। यहाँ तक कि दोस्तों यदि कहीं पे कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तब की केस में आपको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ सकती है उस लाश की, कि कोई उस लाश को जो है क्षतिग्रस्त ना पहुँचाए, कोई सबूत ना मिटाए, इसके लिए आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, लाश के सामने में खड़े रहना पड़ेगा। ऐसी ड्यूटीज़ भी होती है, जब तक कि जो फॉरेंसिक लैब वाले हैं वो ना पहुंच जाए वहाँ पे, आपके सीनियर इंस्पेक्टर ना आ जाए, तब तक आपको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऐसी ड्यूटी भी होती है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं कांस्टेबल की जॉब जो है, ठीक है। तो आप इनकी ड्यूटी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसकी प्रमोशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि कहाँ तक आप प्रमोट होकर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप कांस्टेबल के पद पर जाएंगे तो कांस्टेबल के ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल होता है, प्रमोशन होकर ये जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अच्छी आपकी किस्मत रही तो एएसआई तक बन सकते हैं, आप योग्यता यदि रखते हैं तो। वो बात अलग है कि रेयर कंडीशन में किसी किसी जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपने कुछ अच्छा ही ज़्यादा अच्छा काम कर दिया तो रेयर कंडीशन में किसी किसी को डायरेक्ट कांस्टेबल से एसआई भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो अलग कंडीशन है, ये सबके नसीब में नहीं होती है। ज़्यादातर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में ही कई लोग जा करके रिटायरमेंट की पोजीशंस पर आ जाते हैं, किस्मत अच्छी रही तो एएसआई बन जाते हैं। इससे ज़्यादा अव्वल दर्जे की प्रमोशन आपको नहीं मिलेगी, आप इससे ज़्यादा बड़े अहदे पर नहीं जा सकते हैं आप, ठीक है, यदि आप कांस्टेबल पर ज्वाइनिंग लेते हैं तो, ठीक है। तो प्रमोशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया पर। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है, पहले फिजिकल होता है, ठीक है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता है, दोनों 100-100 नंबर का होता है। ट्रेड वालों के लिए अलग से जो है, अलग से जो पद निकाले गए उनके लिए 25 अंक इस बार अलग से है, ठीक है। तो तीनों को मिला करके जो ट्रेड में है, चालक वगैरह के लिए डाले हैं, कुक माली वगैरह के लिए जो डालेंगे उनके लिए 225 नंबर में मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, साथ में बोनस अंक भी है, बोनस अंक इनको दिया जाएगा। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट रहेगा और यदि आपके पास आरएसएस सर्टिफिकेट है, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आरएसएस सर्टिफिकेट है, साथ में यदि आप नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तब की केस में आपको बोनस अंक दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो बोनस का प्रावधान है वो 10 अंक ही है, ठीक है। सपोज आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और स्पोर्ट है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई सा एक सर्टिफिकेट है तो 5 अंक दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 अंक का प्रावधान बोनस अंक पर है, तो वो भी अलग से उसमें जुड़ता है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इसके पीएचडी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जिस दिन फिजिकल रहता है उस दिन आपका पीएचडी होता है। पीएचडी टेस्ट का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, शारीरिक जो नाप जोख होती है ये इसका मतलब होता है हिंदी में। आपकी जो शारीरिक नाप जोख होती है उसका मेजरमेंट लिया जाता है, जिसमें हाइट, चेस्ट, नॉकनी और प्लेट फुट जो है नापा जाता है। सबसे पहले हम लोग नॉकनी और प्लेट फुट के बारे में बात करते हैं। तो नॉकनी क्या होता है दोस्तों, ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, सपोज आपको ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे आपको ड्यूटी देना है, जहाँ पे आपको दौड़ना पड़ सकता है, तो विभाग का मानना है कि जो फ्लैट फुट वाले होते हैं, नॉकनी वाले होते हैं, वो स्लिप हो सकते हैं। फ्लैट फुट कहने का मतलब होता है जिनके जो पंजे होते हैं, पैरों के जो तल्ले होते हैं वो सपाट होते हैं, पूरे की पूरी जो छाप है वो पड़ जाती है, तो वो आपका फ्लैट फुट होता है। और जो नॉकनी होता है, नॉकनी यानी कि आपके दोनों जो घुटने हैं वो जुड़ते हैं, वो नॉकनी कहलाता है, ठीक है। तो फ्लैट फुट टेस्ट कैसे किया जाता है दोस्तों, सामने में एक बोरा रख दिया जाता है जो कि गीला रहता है, उसके ऊपर में आपको खड़ा कराया जाता है, उसके बाद आपको एक फर्श पर पत्थर में खड़ा होने के लिए बोला जाएगा। आपके जो पद चिन्ह है उसको देखते हैं कि उस कर्व शेप में है या नहीं, या पूरा पूरा का पूरा पंजा का निशान तो नहीं बन रहा है। यदि पूरा का पंजा का निशान बन रहा है तब की केस में आपको फ्लैट फुट प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो हाई वेट वाले होते हैं, मोटे होते हैं, उन लोगों का जो है ये प्रॉब्लम होता है फ्लैट फुट वाला, क्योंकि पूरा जो बॉडी का भार होता है दोस्तों पैर पर ही डिपेंड रहता है, तो उन लोगों का ऐसा नॉर्मल प्रॉब्लम होता ही है। नॉकनी प्रॉब्लम होता है दोस्तों
तो यहाँ पे इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको सावधान की स्थिति में खड़ा जाएगा और आपका गेप देखा जाता है कि यहाँ आपका घुटना सट तो नहीं रहा है, इसके लिए एक स्केल रहता है या पट्टी टाइप से, उसको ऊपर नीचे करके देखते हैं बीचों बीच, ठीक है, वो टच नहीं होना चाहिए। तो ये नॉक नी टेस्ट होता है। उसके बाद हाइट और चेस्ट जो क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें हाइट जो मांगा गया है जनरल प्लस एसी प्लस ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उसमें मेल कैंडिडेट, जो चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल एसी ओबीसी के लिए वो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए चेस्ट का फुलाव जो है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। और एसटी कैटेगरी वालों का जो हाइट है 158 सेंटीमीटर मांगा गया है, थोड़ा सा उनको छूट मिला है, और फीमेल में भी 158 सेंटीमीटर ही है। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 76 सेंटीमीटर चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड आपको करना पड़ेगा, तो 76 और 5 जो है आपको 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका मेजरमेंट होगा, इतना होना चाहिए क्राइटेरिया। बस्तर प्लस सरगुजा संभाग के कैंडिडेट हैं तो वहाँ के जो मेल कैंडिडेट हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 153 सेंटीमीटर ही रखा गया है। चेस्ट की बात करें तो 76 मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, और ये जो चेस्ट वाला क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए ये लागू नहीं होती है। इन सारी टेस्ट को आप पास करने क्लियर कर लेंगे दोस्तों, तब के केस में आपका होता है फिजिकल। अब फिजिकल में क्या क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 100 मीटर रनिंग है दोस्तों, इसमें एक ही मौका दिया जाता है, ठीक है, यदि आप गिर गए या कुछ हो गया तो भी आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, तो इसको बहुत सावधानी से करना पड़ता है। 100 मीटर में जो मेल कैंडिडेट है उसको 12 सेकंड में यदि कंप्लीट करता है 100 मीटर को 12 सेकंड में, तब के केस में आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 14 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो 14 मार्क्स, और 16 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो 7 मार्क्स दिया जाता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 14 सेकंड में 20 मार्क्स, 100 सेकंड में 14 मार्क्स और 18 सेकंड में 7 मार्क्स दिया जाता है। इससे नीचे यदि आप एक्स्ट्रा समय लगा देते हैं, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी 16 सेकंड से एक्स्ट्रा का समय लगा दिए, तो उसको 0-0 मार्क्स दिया जाएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 18 सेकंड से एक्स्ट्रा समय लगा देते हैं तब के केस में भी उनको 0-0 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ का टाइमिंग जो है वो तुरंत पता चल जाता है कि कितने समय में आपने निकाला, कितने नंबर पाया, क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे इवेंट कंप्लीट होता है तो आपके पास जो प्रिंट निकाल के आपकी जो टाइमिंग है उसके साथ सिग्नेचर करवा जाता है। और इसका जो फिजिकल है दोस्तों डिफरेंट है, फॉरेस्ट गार्ड में तो 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, अलग अलग बैच में बांटा गया था फिजिकल को, इसमें ऐसा नहीं है, एक साथ जो है एक दिन में 1200-1300 लोगों को एक संभाग में किसी एक सेंटर में जो है बुलाया जाता है और सभी को अंदर करके उनका जो है लिया जाता है, रात भी हो जाता है दोस्तों, तो उस लायक आपको तैयारी करनी है। पिछले बार जो है कॉन्स्टेबल का जब हुआ था तो बोला तो गया था 1:30-2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, कई कई दिन जो है रात रात तक जो है फिजिकल हुआ था, सवेरे से गए गए 4-5 बजे से गए गए 9 बजे 9:30 बजे उन लोग ग्राउंड से बाहर निकले थे, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों 800 मीटर रनिंग है जो कि लास्ट में कराया जाता है, यदि आप 2 मिनट में जो है कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा मेल कैंडिडेट, और जो महिला कैंडिडेट है उसको 2:30 में कंप्लीट करना होगा 800 मीटर, तब के केस में 20 में 20 नंबर आपको मिलेगा। यदि जो पुरुष अभ्यर्थी है 2:30 लगाता है, एक्स्ट्रा टाइम लगा देता है, तो उसको 14 नंबर मिलेगा, और जो महिला कैंडिडेट है वो 3 मिनट में यदि 800 मीटर को कंप्लीट करते हैं तो 14 नंबर है। पुरुष कैंडिडेट 3 मिनट तक लगा देते हैं तब उनके लिए 7 नंबर है, और महिला कैंडिडेट यदि 3.5 मिनट तक 3:30 तक यदि लगाते हैं समय तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा 800 मीटर रनिंग में, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही मौका रहता है, ठीक है, दो राउंड दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो 400 मीटर का जो है सर्कल रहता है, दो राउंड आपको कंप्लीट करना रहता है और चीप सिस्टम में ही होगा। तीसरा जो है दोस्तों हाई जंप है, हाई जंप में आपको 3 मौका दिया जाता है। 3 मौका कहने का मतलब होता है सबसे जो मिनिमम क्राइटेरिया है 1:30, यहाँ तक आपको लिए लगाया जाएगा जो स्टैंड है, यदि आप इसको 3 मौका इसमें भी मिलेगा, यदि आप तीनों में से किसी एक मौके में सपोज 2 बार आप गिर गए फाउल हो गए तो जो तीसरा मौका है उसमें क्लियर कर लिए तो सेकेंड स्टेज के लिए फिर से आपको 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलते जाएगा जहाँ तक आप कूद पाते हैं मिनिमम से हाई तक। तो यदि आप 1:50 तक कूद लेते हैं हाई जंप को दोस्तों, बॉयज लोग तो 20 नंबर है, और गर्ल्स लोग का 1:20 तक यदि आप कूद पाते हैं ये हाईएस्ट है 20 नंबर। 1:45 में बॉयज को 17 नंबर है और गर्ल्स का एक मिनिमम रेंज है, इससे नीचे का है पहले स्टेप में आप गिर गए तो 0 का 0 नंबर है, ठीक है, यदि आप फॉल हो गए तो। और गर्ल्स लोगों में
एक मीटर 10 सेंटीमीटर का हाई जंप आप कर लेते हैं तो 14 नंबर है, उससे नीचे एक मीटर 5 सेंटीमीटर में अटक जाते हैं तो आपको 11 नंबर दिया जाएगा, और एक मीटर तक का जंप में मिनिमम नंबर है 5 नंबर। साथ में ये याद रखिएगा यहाँ पे 20 14 और 7 है, बीच में जो नंबर है 17 और 11 वाला, यहाँ पे ये वो सिस्टम नहीं रहता रनिंग में पुलिस कांस्टेबल में, ये पिछले बार के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ 2018 में जो हुआ था। लॉन्ग जंप की बात करें दोस्तों तो 5 मीटर 50 सेंटीमीटर में मैक्सिमम नंबर है पुरुष लोगों के लिए 20 नंबर, और 4 मीटर 25 सेंटीमीटर में महिला लोगों के लिए है 20 नंबर, ठीक है। वहीं 5 मीटर तक आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपके लिए 17 नंबर है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और 3 मीटर 75 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी यदि लॉन्ग जंप करती हैं तो उसको 17 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आगे का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं या डिटेल्स में जब आएगी तो देख लीजिएगा। शॉर्ट पुट की बात करें दोस्तों तो इसमें भी 3 मौका दिया जाता है, जिसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उसके लिए जो गोले का वजन होता है वो 16 पाउंड होता है, लगभग 7 किलो 260 ग्राम का आपका गोले का वजन होता है। जो महिला कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो गोले का वजन होता है 8 पाउंड का होता है, लगभग 3.5 केजी के आसपास रहता है। पुरुष जो कैंडिडेट होते हैं उनको यदि 9 मीटर फेंकना रहता है 20 में 20 पाने के लिए, महिला का जो है 8 मीटर, और एक एक मीटर के गैप जैसे ही आप कम फेंकते जाएंगे तो आपका नंबर घटते जाएगा 17 14 11 और 7। मिनिमम 5 मीटर जो है में 7 नंबर है बॉयज़ लोग के लिए, और 4 मीटर फेंकते हैं तो 10 लोग के लिए 7 नंबर शॉर्ट पुट में रखा गया है। यहाँ पे 3 गोला रखा जाता है, ठीक है, सर्कल के पास, और एक एक को बारी बारी से उठा करके आपको फेंकना रहता है। जो आपका हाईएस्ट रहता है 3 बार में उसको मेजरमेंट करते हैं, उसी प्रकार से जो लॉन्ग जंप है वहाँ पे भी वैसा ही किया जाता है, 3 मौका दिया जाता है, तीनों में से जो हाईएस्ट होता है उसको आपको मेजरमेंट वहाँ पे लिया जाता है। अब डिवी की बात कर लेते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन होता है जिसमें क्या क्या किया जाता है। तो उस दिन जो है आपका एडमिट कार्ड के थ्रू जो है आपको एंट्री मिलती है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आपके साथ होनी चाहिए जिसमें आपको फोटो लगा हुआ हो, और आपके पास स्थायी यदि आप एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी से हैं तो आपके पास जाति निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो है वास्तविक निवास बस मांगा जाता है, स्थायी उनका बनता ही नहीं है। साथ में रोजगार पंजीयन का विशेष महत्व होता है दोस्तों, रोजगार पंजीयन भी यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपके पास नहीं है रोजगार पंजीयन तो अभी से बनवा लीजिएगा, जो लोग नए तैयारी करने आए हैं ज़्यादातर उन लोगों को नहीं पता होता है, तो रोजगार पंजीयन जाके अपने जिले के जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर बनवा लीजिएगा। कई लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि आधार कार्ड में जो है उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है जब बायोमेट्रिक होती है, तो ऐसे लोग जो है अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेवें, ठीक है, ताकि आपका जो थंब है उसका अच्छे से बायोमेट्रिक हो पाए। बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में बने हुए हैं 9-10 साल पुराने, तो कई लोगों का होता है कि फिंगरप्रिंट जो ही मैच नहीं कर पाता है तो उसके कारण रजिस्टर लेट हो जाता है, उसको रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए, फिर से बुलाया जाता है बायोमेट्रिक के लिए। तो ये दिक्कत ना हो इसलिए आप अपडेट भी करिए, जिसका बहुत ज़्यादा पुराना है वो लोग आधार कार्ड को अपना अपडेट करवा लेंगे। डिवी में दोस्तों आपका जो मार्कशीट है 10वीं का, चूँकि इसमें 10वीं मांगा जाता है तो आप 10वीं के मार्कशीट लेकर के जाएंगे, जो एसटी कैटेगरी वाले हैं वो 8वीं 10वीं दोनों ले जा सकते हैं, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन वगैरह की यहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि पिछले बार का जो एग्ज़ाम था वो डिफरेंट था। अभी भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वहाँ पर बोला गया है कि सामान्य ज्ञान है जिसमें इंडियन जीके छत्तीसगढ़ जीके तो रहते ही है, ठीक है, उसके अलावा ज़्यादातर पोर्शंस जो वहाँ पे लिखा है मानसिक योग्यता और मैथ्स रीजनिंग यानी कि जो दिया गया है, पिछले बार की केस में बहुत सारे लोग ऐसे थे मैथ्स रीजनिंग का जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे, लगभग 50% आएगा ये सोच करके, ठीक है। वही लोग जो सिलेक्शन लिए थे दोस्तों 2018 में, जो लोग छत्तीसगढ़ में अपना बेस्ट दिए थे, छत्तीसगढ़ के जो नॉलेज है उसको ज़्यादा गेन किए थे, ज़्यादा पढ़े थे, पूरे के पूरे जो सिलेबस है 75+ क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से पूछे गए थे, इंडियन पोर्शन से भी कम पूछा गया था, मैथ्स तो नाम मात्र के थे, मात्र 4 क्वेश्चंस जो है आए थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि उसको मत पढ़िए, उसको पढ़िएगा, कुछ भी हो सकता है, सिलेबस में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, यदि पूछ दिया गया ज़्यादा क्वेश्चन मैथ से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको भी पढ़िएगा, लेकिन ज़्यादा प्रिफ्रेंस जो है ज़्यादा तैयारी छत्तीसगढ़ के टोटल जीके को दीजिएगा। अब ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जिनका नाम आ जाता है तो ट्रेनिंग में क्या होता है, तो जनरली इसकी जो ट्रेनिंग है दोस्तों 9 महीने की होती है, साल भर तक भी हो सकता है, इसका जो क्राइटेरिया है ट्रेनिंग का 9 महीने तक की इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें दोस्तों आधा से ज़्यादा टाइम तो आपको ग्राउंड में देना पड़ता है, स्टार्टिंग के 4-5 महीने ग्राउंड में जो फिजिकल एक्टिविटी है शारीरिक रूप से और आपको मजबूत किया जाता है,
ठीक है, साथ में आपकी क्लासेस भी लगती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ की किताबें, लॉ वगैरह के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि विषम परिस्थितियों में कैसे आपको जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें क्लास के रूप में जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको क्लासेस दी जाती है जिसका टेस्ट भी लिया जाता है। ये पूरे 9 महीने तक चलता है। स्टार्टिंग में आपको ग्राउंड में 4 से 5 महीने तो ग्राउंड में ही प्रिपेयर कराया जाएगा, 3-4 महीने जो है आपकी क्लासेस जो है ज़्यादा ली जाती है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कानून की जो किताबें होती हैं वो सारी आपको पढ़ाई जाती हैं और उसका टेस्ट भी लिया जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, ठीक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।